السيد حسن نصر الله بجسده، لكن شخصيته الحقيقية روحه ونهجه وصوته الصادح ستبقى حاضرة فينا أبدا. لقد كان الراية الرفيعة للمقاومة في وجه الشياطين الجائرين والناهبين، وكان اللسان البليغ للمظلومين، والمدافع الشجاع عنهم، كما كان للمناضلين على طريق الحق سنداً ومشجعاً. لقد تخطى نطاق شعبيته وتأثيره حدود لبنان وإيران والبلدان العربية، وستعزز شهادته الآن مدى هذا التأثير. إن أهم رسائله قولاً وعملاً في حياته الدنيوية لكم يا شعب لبنان الوفي كانت ألا يصابركم يأس واضطراب بغياب شخصيات بارزة مثل الإمام موسى الصدر والسيد عباس الموسوي، وألا يصيبكم ترديد في مسيرة نضالكم، ضاعفوا مساعيكم وقدراتكم، وعززوا تلاحقكم، وقاوموا العدو المعتدي، وأفشلوه بترسيخ إيمانكم وتوكلكم. أعزائي، يا شعب لبنان الوفي، يا شباب حزب الله وحركة أمل المفعم بالحماسة، يا أبنائي، هذا أيضاً طلب سيدنا الشهيد اليوم من شعبه وجبهة المقاومة والأمة الإسلامية جمعاء. العدو الخبيث الجبان إذ عجز عن توجيه ضربة مؤثرة للبنية المتماسكة لحزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي وغيرها من الحركات المجاهدة في سبيل الله، عمد إلى التظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين وحرق قلوبهم. لكن ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ما نجم عن هذا السلوك هو تراكم الغضب وتصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمضحين وتغييق الخناق على الذئب الدموي، وبالتالي إزالة الكيان الملطخ بالعار من ساحة الوجود إن شاء الله. أيها الأعزة، القلوب المفجوعة تستلهم السكينة بذكر الله وطلب النصرة منه. الدمار سيعوض، وصبركم وثباتكم سيثمر عزة. بيروت میں پھر بڑا حملہ کیا ہے. اسرائیل کی سینا نے ڈرون سے مسائل داغی ہے جس میں 3 لوگ گھائل ہوئے ہیں. حملے کے بعد کی جو تصویر آئی وہ حیران کرتی ہے. اسرائیل کے حملے کے بعد ہڑکمپ مچ گیا، لوگ وہاں سے بھاگنے لگے. وہیں جو اسرائیل کی وایو سینا کی ٹیم ہے
वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। IDF ने बेरूत में हिजबुल्लाह के 15 ठिकानों को जमींदोज करने का दावा किया है। दो दिन में इसराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के हथियारों की फैक्ट्री, हथियारों के गोदाम, आतंकियों के ठिकाने इन्हें निशाना बनाया है। तो इसराइल की सेना ने ड्रोन के जरिए मिसाइल दागी है और अब ये जो संघर्ष है वो लगातार अब दोनों तरफ से बढ़ रहा है। चौतरफा हमलों से घिरा हुआ इसराइल चारों तरफ लगातार हमले कर रहा है और सवाल वही, क्या World War III पहले क्वेश्चन मार्क लगा था, अब एक्सक्लेमेशन लगा है, बाकी आप समझदार। इस बीच लेबनान से इसराइल पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के हाइफा के पास ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने करीब 20 रॉकेट दागे हैं और इसके बाद इसराइल में सायरन की आवाज सुनी गई। लेबनान की तरफ से ताबड़तोड़ हवाई हमले, 3 बड़े सिस्टम हैं इसराइल के पास इस तरह के हमलों से निपटने के लिए। एक आयरन डोम है, एक डेविड स्लिंग्स है जो हवाई हमलों का, इस तरह के हवाई हमलों का मुकाबला करता है। तो लेबनान से ये ताबड़तोड़ हवाई हमले इसराइल पर हुए हैं। वहीं इसराइल की मीडिया ने दावा किया है कि नसरल्लाह का उत्तराधिकारी और हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के बड़े नेता हैं वो खुफिया हेडक्वार्टर में बैठक कर रहे थे और इसी दौरान इजरायली सेना ने हवाई हमला किया और हिजबुल्लाह के खुफिया हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। इस हमले में हाशिम सैफुद्दीन की भी मौत हो गई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हाशिम को चीफ बनाया गया था। हाशिम सैफुद्दीन नसरल्लाह का भाई था और अपने भाई की तरह हाशिम भी एक मौलवी था। लेबनान में इसराइल का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर पार्ट 2। बेरूत में मारा गया नसरल्ला का उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन भी हुआ एयर स्ट्राइक का शिकार। क्या हिजबुल्ला के अंत का टाइम आ गया? हिजबुल्ला के लिए ये खबर सदमे के जैसी है। एक तरफ हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला के जनाजे और उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारियां चल रही थी, तो दूसरी तरफ बेरूत में हुए एक हवाई हमले में उनके उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी इजरायल की सेना ने मौत की नींद सुला दिया है। इजरायल की मीडिया का दावा है कि हसन नसरल्ला के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी ठिकाने लगा दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायल ने यह हमला उस वक्त किया जब हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्ला के सीनियर नेताओं के साथ बैठक कर रहा था। उसी दौरान बेरूत के दक्षिणी इलाके में मौजूद उस बंकर पर हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि हसन नसरल्ला की मौत के बाद हिजबुल्ला के सुप्रीम लीडर के तौर पर हाशिम सैफुद्दीन की ही ताजपोशी होनी थी। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। हाशिम सैफुद्दीन नसरल्ला की मौत के बदले की सौगंध भी ले चुका था, लेकिन इससे पहले कि यह सौगंध पूरी होती वो भी इसराइल के हाथों अंडरग्राउंड बंकर में मारा गया। हाशिम सैफुद्दीन नसरल्ला का रिश्ते का भाई था और नसरल्ला की ही तरह धार्मिक गुरु का ओहदा रखता था। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने हाशिम सैफुद्दीन को 2017 में आतंकी घोषित किया था। इसी साल जून में हाशिम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब हिजबुल्ला के एक कमांडर की मौत के बाद उसके जनाजे पर हाशिम ने इसराइल से बदले के लिए एक डराने वाला मैसेज दिया था। हाशिम ने कहा था, दुश्मन को रोने
और विलाप करने के लिए तैयार होने दो। हाशिम सैफुद्दीन के बयान उसकी कट्टरता को जाहिर करते थे। हाल ही में हाशिम सैफुद्दीन ने दहियाह में एक आयोजन के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में कहा था, हमारा इतिहास, हमारी बंदूकें, हमारे रॉकेट आपके साथ हैं। इतना ही नहीं, हाशिम सैफुद्दीन अमेरिका के खिलाफ भी लगातार मुखर रहा है। 2017 में हिजबुल्लाह पर अमेरिकी दबाव के बारे में उसने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी भड़काने वाला बयान दिया था। ट्रंप के नेतृत्व वाला ये मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल अमेरिकी प्रशासन हमारे प्रतिरोध को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस तरह की कार्रवाई हिजबुल्लाह के संकल्प को और मजबूत करेगी। लेकिन अब खबर यही आ रही है कि इसराइल की एक जबरदस्त स्ट्राइक में सैफुद्दीन को मार गिराया गया है। यानी इसराइल के इरादे भी बेहद साफ हैं कि जो हिजबुल्लाह की कमान संभालेगा वो मारा जाएगा। और इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक ने ईरान को धमकी दी है। बराक ने कहा है कि इसराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए। ईरान के खिलाफ जंगी बिसात बिक चुकी है। अब की बार ईरान में मचेगा हाहाकार। अमेरिका को मिल गया मौका, ईरान पर कसेगा नया शिकंजा। तेहरान को जलाने का इंतजाम पूरा हो चुका है। बाइडेन ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की कसम खा ली है। अमेरिका ने इसराइल के हथियारों के गोदाम ठसाठस भर दिए हैं। तो क्या इस बार जंग में अमेरिका इसराइल के पीछे नहीं बल्कि साथ में खड़ा होगा, साथ में युद्ध लड़ेगा और इसराइल के साथ में मिलकर ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेगा? अरब में छिड़े महायुद्ध पर सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने साफ कहा कि सुरक्षा परिषद के लिए ये ईरान के खिलाफ बोलने का वक्त है। अमेरिका ने ताल ठोक कर कहा कि वो पूरी तरह से इसराइल के साथ है। अमेरिका ने ईरान के IRGC पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने ईरान को मौजूदा हालात के लिए जवाबदेह ठहराने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान हमास को फंडिंग करता है, ईरान शिपिंग नेटवर्क को अस्थिर करने के लिए हूतियों का समर्थन करता है। अमेरिका ने ईरानी सेना IRGC पर हिजबुल्लाह को मदद का आरोप लगाया और कहा कि IRGC ने परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने ईरान को साफ तौर पर चेता दिया कि हालात से खिलवाड़ मत करो। Because I remember we negotiated a similar strike on the West Coast before, and they worked it out. It's time, they won't even talk, so let's get that done. ईरान ने इसराइल के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसका नतीजा क्या होगा? ईरान के सुप्रीम लीडर खामिनेई को भी है और नेतन्याहू को भी है। ईरान जानता है कि उसके पास इसराइल के मिसाइलों को रोकने की ताकत नहीं है। ऐसे में जब जब इसराइल तेहरान पर बेहिसाब बारूद बरसाएगा तो पूरा तेहरान धुआं धुआं हो जाएगा। दो दिन पहले ईरान ने इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दाग दी थी। खामनेई ने सोचा था कि उनकी 200 मिसाइलें तेल अवीव में तबाही मचा देंगी, तेल अवीव कब्रिस्तान बन जाएगा। लेकिन 200 मिसाइलों के हमले में मरा सिर्फ एक आदमी और वो भी इजरायली नहीं बल्कि फिलिस्तीनी। अब ईरान दहशत में है। इजरायल के जवाबी हमले के खौफ में खामनेई की रातों की नींद गायब है। लेकिन हमलों का फौरन मुंह तोड़ जवाब देने वाला इजरायल दो दिन बाद भी चुप है। हालांकि नेतन्याहू ने इशारा कर दिया है कि ईरान ने जो जंग छेड़ी है वो इजरायल खत्म करेगा, वो भी तेहरान में तबाही का तूफान मचाकर। ईरान को इसराइल से ज्यादा खौफ अमेरिका से है, जो ईरान को चारों तरफ से घेर कर बैठा है। इसीलिए खामनेई बौखलाए हुए हैं और अमेरिका को अरब की धरती से हटने के लिए उस पर हालात खराब करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। शरशुन राजी मंतिके कम बकनन बदून शक इन दरगिरी हो इन जंग हो इन बरखुर्द हो به کلی از بین خواهد رفت.
به کشورهای منطقه میتونن